वसुधारा से लगभग 3 किलोमीटर दूर लक्ष्मी वन है। एक ओर जहां बद्री धाम में दूर दूर तक वृक्षों के दर्शन नहीं होते, जबकि दूसरी ओर इस स्थान में अनगिनत विशाल भोजपत्रों के वृक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। प्राचीन काल में ग्रंथों को इन्हीं भोजपत्रों पर लिखा जाता था। कहते हैं जब 5 पांडव स्वर्ग को चले थे, तब नकुल लक्ष्मी वन तक ही आ पाए थे। यहीं उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। जब भक्तों लक्ष्मी वन आया, आगे नकुल ना चल पाया। जब भक्तों लक्ष्मी वन आया, आगे नकुल ना चल पाया। कर ली मृत्यु स्वीकार, सब त्याग दिया संसार। चला पांडव का परिवार, सब त्याग के सुख संसार। अगली सुबह सूर्य की किरणों से नहाई प्रकृति के सौंदर्य को निहार कर पुनः श्रीमन नारायण नारायण हरि भजते हुए स्वर्ग रोहिणी की यात्रा प्रारंभ की जाती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि अलकापुरी को जाता है। अलकापुरी में मां अलकनंदा का उद्गम स्थान है। वास्तव में स्वर्गारोहिणी के पास स्थित विष्णु कुंड से निकलकर मां अलकनंदा अलकापुरी में दिखाई पड़ती है, अतः इसे विष्णुपदी गंगा भी कहते हैं। थोड़ा आगे जाने पर सामने हजारों झरनों से सजे इस दीवारनुमा पर्वत को देख मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। ये है सहस्रधारा। ये वो पावन धाम है जहां 5 पांडवों में से एक सहदेव जी ने अपना देह त्यागा था। चला पांडव का परिवार, सब त्याग के सुख संसार। अब आई आगे सहस्र धारा, सहदेव भी काल से अब हारा। अब आई आगे सहस्र धारा, सहदेव भी काल से अब हारा। गए वो भी स्वर्ग सिधार, सब त्याग दिया संसार। चला पांडव का परिवार, सब त्याग के सुख संसार। अर्जुन आगे की यात्रा शुरू करें।
सहस्त्र धारा के आगे तलवार नुमा पहाड़ी पर चलना पड़ता है। पहाड़ी के दोनों ओर गहरी खाई है, फिर भी इस दुर्गम रास्ते पर चलने से भक्तों को भय नहीं होता। सहस्त्र धारा से लगभग 3 किलोमीटर आगे है चक्र तीर्थ। एक बड़े से मैदान में सूखे तालाब के सदृश प्रतीत होता यह चक्र तीर्थ धाम है। ये वो धाम है जहां अर्जुन ने अपना शरीर छोड़ा था। चल कर आए न अर्जुन काल से बच पाए, फिर चक्र तीर्थ चल कर आए न अर्जुन काल से बच पाए, टूटी जीवन पतवार सब त्याग दिया संसार, चला पांडव का परिवार सब त्याग के सुख संसार। यहां रात्रि विश्राम किया जाता है।